हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी IQ। आज मैं एक मैथ की शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, HCF की शॉर्ट ट्रिक। ये 5 मिनट की वीडियो सिर्फ आपको देखनी है और HCF की शॉर्ट ट्रिक आपके फिंगर टिप्स पे होगी। 5-10 सेकंड के अंदर अंदर आप किसी का भी HCF फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। वीडियो देखने के बाद कमेंट करके मुझे बताएगा वीडियो कैसी लगी, शॉर्ट ट्रिक कैसी थी। और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोज़ 3 या 4 वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स की। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी। HCF, सबसे पहले HCF मीनिंग क्या होता है? HCF का हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन फैक्टर है किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट का, उनमें भी हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे हाइएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो HCF होता है हमारा। बेसिक कंसेप्ट क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 डिजिट है, 8 एंड 12, इसका हमें HCF फाइंड करना है। तो बेसिक कंसेप्ट से कैसे फाइंड करते हैं, बचपन से हमें सिखाया गया है कि बड़ी वाले डिजिट को छोटी वाली डिजिट से डिवाइड करना है, उसके बाद में जो रिमाइंडर बचेगा उसको फिर से, जो हमारा ये था छोटे वाली डिजिट थी उसको फिर से डिवाइड करेंगे, और ये हमारे पास में जैसे यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गए तो हमारे पास में 4 आंसर आ गए। लेकिन अब हमें ये याद नहीं रखना है, ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब हम सीधे पॉइंट पर आते हैं हमारे हमारी शॉर्ट ट्रिक पे। तो शॉर्ट ट्रिक आपकी, शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 8 एंड 12। 8 एंड 12 का हमें HCF फाइंड करना है। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक का सबसे पहला स्टेप है, जो भी आपके पास नंबर है उनका आप डिफरेंस ले लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप हमेशा कन्फ्यूज़न में रहे होंगे आज तक, एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि इसमें डिफरेंस में और एक होता है आपका डिफरेंस और एक होता है आपका सब्ट्रैक्शन। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता दूं। जो सब्ट्रैक्शन होता है उसमें आप बड़े डिजिट में से छोटा डिजिट माइनस कर लीजिए या छोटे में से बड़ा माइनस कर लीजिए, तो आंसर आपका नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। बड़े में से छोटे को घटाओगे तो ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव आएगा, लेकिन छोटे में से बड़े को घटाओगे तो आपका नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ये होता है आपका सब्ट्रैक्शन। ओके, अब बात आती है आपकी डिफरेंस की। डिफरेंस हमेशा बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को लिया जाता है, और सबसे जो बड़ी बात होती है डिफरेंस, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। चलिए, ये तो मैंने आपको छोटी सी जनरल नॉलेज की बात बता दी है। अब बात करते हैं हमारी शॉर्ट ट्रिक जो थी, 8 एंड 12, इनका डिफरेंस लेना। डिफरेंस कितना होगा? 4 आएगा इनका डिफरेंस, 12 माइनस 8 4। अब डिफरेंस जो हमारे पास आएगा, फिर हम उससे देखते हैं, जो हमारे पास 2 डिजिट थी ये 8 एंड 12, उस डिफरेंस से ये दोनों डिवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। मैं डिवाइड करके देखता हूँ, 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर था यहाँ पे वो 4 आ गया। अब हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, जो हमारे पास डिफरेंस आएगा उससे दोनों डिजिट जो है वो डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगले एग्जांपल में देखता हूँ मैं, ये है हमारे पास, इसमें हमारे पास 3 डिजिट है, तो हम पहली 2 डिजिट का डिफरेंस ले लेते हैं, 24 और 32, इनका डिफरेंस क्या आएगा? 8 आएगा। 8 से मैं 24 डिवाइड करता हूँ, हो जाएगा, 32 डिवाइड करता हूँ, हो जाएगा, लेकिन 54 को डिवाइड करता हूँ, जी नहीं, ये नहीं हो पाएगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब डिफरेंस से सभी डिजिट डिवाइड नहीं होती है, इस सिचुएशन में हम ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिससे यह हमारा डिफरेंस है डिवाइड हो जाए। 8 किस किस से डिवाइड होगा यहाँ पे? जी 8 डिवाइड होगा आपका, एक तो खुद 8 से होगा, 4 से होगा, 2 से होगा, और एक 1 से होगा। 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं। अब अगला स्टेप होगा हमारे में कि हम जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी डिजिट है, उससे छोटी डिजिट की तरफ जाएंगे और चेक करेंगे ये जो हमारे पास में जिन 3 नंबर का हम HCF निकाल रहे हैं वो सभी डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। सबसे पहले हमारा नंबर है 8, 8 से हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, 8 से 24 डिवाइड हो जाएगा, 32 होगा, लेकिन 54 नहीं होगा। अब बात करते हैं आपकी 4 की, 4 से मैं चेक करता हूँ तो 4 से आपका 24 डिवाइड हो जाएगा, 32 भी हो जाएगा, लेकिन 54 नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बची 2, 2 से 24 भी डिवाइड होगा, 32 भी, 54 भी, तो हमारे पास में हमारा आंसर आ गया 2।
ओके गाइस, तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। लेकिन मैं इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए अभी दो एग्जांपल और लेता हूँ, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये आपका थर्ड एग्जांपल मैंने लिया है, फाइंड द एचसीएम ऑफ 60 एंड 24। सबसे पहले हमारा शॉर्ट टेक का स्टेप है डिफरेंस लेना दोनों का। 60 एंड 24 का डिफरेंस 36, 36 से मैं 60 को डिवाइड करूंगा, नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा। अगर एक भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता, कैंसिल है। इसके बाद में अगर हमारे डिफरेंस से हमारे नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो हमारा अगला स्टेप क्या था, हम इसके फैक्टर देखते हैं, मतलब ये 36 किस किस से डिवाइड होगा। तो ऑब्वियसली एक तो खुद 36 से होगा, 18 से होगा, 12 से होगा, 6 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से। और मैंने आपको पहले ही बताया था हम इस साइड से छोटे वाले की तरफ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम बड़े डिजिट की तरफ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारे जिन नंबर का हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं वो डिवाइड हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर 18 से डिवाइड शुरुआत करता हूँ, 18 से 60 भी डिवाइड नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, तो इसका मतलब 18 हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। अब बात करता हूँ 12 की, 12 से 60 भी डिवाइड हो जाएगा, 24 भी, 12 टू जाए 24, 12 फाइव या 60, यानी कि हमारे पास हमारा आंसर आ गया 12। क्लियर। फोर्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 30, 48 एंड 96। जब हमारे पास तीन नंबर थे मैंने आपको पहले बताया था, जब शुरू की दो डिजिट हमारे पास में उनका डिफरेंस ले लेते हैं, 30 और 48 का डिफरेंस हमारे पास में 18 आएगा, 18 आएगा। अब 18 से मैं डिवाइड करूँगा, ये नहीं हो पाएंगे तीनों के तीनों। तो मैंने क्या बताया था आपको, इस सूरत में हमारे पास में क्या होता है, हम ऐसे डिजिट देखते हैं जिससे 18 डिवाइड हो जाएगा, 18 के यानी कि फैक्टर देख लेते हैं सभी जो इससे छोटे हैं जो 18 को डिवाइड कर देंगे, एक 9, एक 6, 3, 2 और 1, और तो किसी से डिवाइड नहीं हो पाएगा ना 18। और अब चेक करता हूँ 9 से, 9 से क्या 30 डिवाइड नहीं होगा, 48 भी नहीं होगा और 96 भी नहीं होगा, तो 9 जो है कैंसिल है, एक भी अगर डिवाइड नहीं हुआ ना तो 9 कैंसिल। 6 से मैं चेक करता हूँ जी, 30 भी हो जाएगा, 48 भी हो जाएगा, 6 5 30, 6 × 8 48 एंड 6 × 16 96, इसका मतलब 6 हमारे पास में आंसर आ गया। सो गाइस, ये एचसीएफ की बहुत ही ज़्यादा इजी सी एक ट्रिक मैंने आपको बताई है। आप किसी का भी एचसीएफ बहुत आसानी से 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर फाइंड कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कीजिए नीचे, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में मुझे बताइए, और वीडियो बताइएगा आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम तक पहुंचती रहेगी, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक की मैथ्स की वीडियो बहुत जल्दी जल्दी अपलोड कर रहा हूँ उस टाइम, और जल्दी ही मैं और भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक की वीडियो लाने वाला हूँ। सो थैंक यू गाइस।